हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कंटेनमेंट जोन में छूट मिलते ही लोग घरों से बाहर निकले। जोधपुर शहर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की रफ्तार पर ब्रेक लगने के बाद प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन को दोबारा रिवाइज किया है। इसकी नई सूची भी जारी कर दी गई है। कंटेनमेंट जोन में छूट मिलते ही कई दिनों से घरों में कैद लोग सड़कों पर निकल आए। इससे सड़कों पर आवाजाही बढ़ गई। बाद में पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित रहने के लिए घरों में रहने की अपील की और उन्हें वापस अपने घरों में भेजा। दरअसल कंटेनमेंट जोन में छूट मिलने के बाद भी पुलिस किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए वो पूर्व की भांति सख्ती दिखाते हुए फ्लैग व पैदल मार्च जारी रख रही है। हालांकि जोधपुर में अब तक 438 पॉजिटिव व्यक्ति स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। पहली बार डिस्चार्ज हुए व्यक्तियों की संख्या पॉजिटिव केस से ज्यादा हो गई है और डिस्चार्ज होने का सिलसिला लगातार जारी है। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि संक्रमण कम होने व मरीजों की संख्या घटने से शहर के कंटेनमेंट जोन को दोबारा रिवाइज किया गया है। इसमें जहां पर गत 28 दिन से सैंपलिंग होने पर भी वॉल सिटी एरिया से कोई केस नहीं आया, उन एरिया को हटाया गया। वो कुछ ऐसे पॉजिटिव केस जिनकी लीकेज पता थी, उनमें 14 दिन होने के बाद उन्हें कंटेनमेंट एरिया से हटाया है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट एरिया से हटने के बाद उन्हें बाकी शहर क्षेत्र में मिल रही छूट वहाँ भी मिलेगी। इसके साथ ही कुछ नया कंटेनमेंट एरिया भी जोड़ा गया है। सोमवार को छूट मिलने के बाद कई इलाकों में चहल पहल देखी गई। कई लोग अपने वाहन लेकर सड़कों पर निकल गए। जब चौराहों पर पुलिस ने उन्हें रोका तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, तब पुलिस ने उन्हें वापस घर रवाना कर दिया। जोधपुर से जागरूक टीवी के लिए मुकेश शीमर की रिपोर्ट।